गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज तारीख है हमारी 8 मई 2020। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर, क्लास 9th, सेक्शन ए। चैप्टर नेम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं। वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट है हम एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब स्टडी कर लेते हैं एजुकेशन। कंप्यूटर इज़ अ वेरी इफेक्टिव टूल विच कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, रिजल्ट प्रोसेसिंग, कॉमा स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। बोल रहे हैं जो कंप्यूटर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल है हमारे लिए, फॉर टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, या रिजल्ट प्रोसेसिंग करनी है स्टूडेंट का डेटा अगर हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन स्टडी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रिसर्च, बजटिंग प्रोसेस कंट्रोल, ऑल आर कंप्यूटर बेस्ड। द रोबोटिक्स आर आल्सो कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, बोल रहे हैं जितनी भी आजकल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जितना भी बजट होता है उनका, उनको पास करना है, उनको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो भी रोबोट्स वगैरह बनते हैं वो भी किसकी हेल्प से बनते हैं, इसी कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है ना, पहले वो कंप्यूटर में उसका क्या करते हैं, उसको कंप्यूटर में पहले क्या करते हैं, उसकी पिक्चर वगैरह बनाते हैं, अच्छे से उसको स्टडी करते हैं। तो सब कुछ कहाँ पर होता है, हमारे कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल। द रिसर्च इन हेल्थ इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। बोलते हैं जो भी रिसर्च वगैरह करनी है हेल्थ से रिगार्डिंग, तो वो किसकी हेल्प से होती है, हमारे कंप्यूटर की हेल्प से होती है। इट इज़ अप्लाइड टू मेडिसिन, सर्जरी एंड रिसर्च। ये आल्सो कहाँ पे अप्लाई होता है हमारा, जहाँ भी हमने मेडिसिन की सर्जरी या रिसर्च वगैरह करनी है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है ना, फॉर एवरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग टूल, लाइक सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर्स टू एरोनॉटिक, केमिकल एंड लेदर टेक्नोलॉजी। बोलते हैं ये जो कंप्यूटर है आजकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा होता है। आपको पता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, तो हर जगह जो है कंप्यूटर का यूज़ होता ही होता है। ठीक है, और ये लेदर टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग लाइक एज वर्ड डेटा, सैलरी, इनकम टैक्स डेटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा, या डेटा बेस हो गया। तो बोले जो भी डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग हो गया कि इसमें जैसे मान लो किसी का डेटा रखा है हमने, किसी की इन्फॉर्मेशन स्टोर के रखी है, या सैलरी है, ठीक है, जो भी इनकम टैक्स की रिपोर्ट होती है, ठीक है, डाटा को प्रोसेस करना है, डाटा बेस बना के रखना है, तो वो क्या है, सारा कंप्यूटर की हेल्प से होता है। जैसे स्कूल में भी होता है कि स्कूल में बच्चों का जितना भी रिकॉर्ड होता है आजकल कंप्यूटर में ही होता है रिकॉर्ड। ठीक है ना, जब भी हमने किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके नेम से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हमारे अवेलेबल होती है, हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। सो होमवर्क भी आपके लिए यही है, रीड राइट रिवाइज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।